तलक। अरे जब तक बैल चलते हैं हल में तब तक डाले चारा, अपना मतलब है तब तक। वो अपना मतलब हल हो गया फिर उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। जब मरो मत रहो हमें कोई मतलब ना। अगर तुम्हें बैल से मतलब है कि सवेरे सवेरे जाकर के खेत में हल चलाना है तो भाई चारा डालोगे काट के और बने खाए लो थोड़ो बहुत रह गए तो रात बुलाए के डाल रहे और खाए ले, क्योंकि मतलब है ना सुबह जाके हल चलाना है। जब तक बैल चलते हैं हल में तब तक डाले चारा, और वृद्ध बहु सोई रहो बकी कर दल चल रहो से कहे डुकरिया तेरे ही जवाब कराना। जब बड़े बूढ़े भी किसी काम के नहीं रहते तो घर की बहू जगदे डुकरिया चप्पा कुन्ना बैठी रहे, दो पैसे का काम नहीं करती, बिना मतलब में मुंह चलाती रहती है। अरे बहू सास से कहे डुकरिया देवे जवाब कराना, अरे बच्चा तक तू ना ही खिला दे रे कोई न तू सनी आरा रे मतलब के बिना कोई न किसी कहे प्यारा रे मतलब के बिना कोई न किसी कहे प्यारा। भक्त जनो तो ये मतलब के लिए इंद्र भिखारी बन गया, महात्मा दधीच ने पहचान लिया। महात्मा दधीच कहने लगे हमें मालूम है तुम किस लिए आए हो, देखो मांगने से हर चीज मिल जाती है, अगर तुम किसी से कहो कि तुम अपने प्राण दे दो तो ये असंभव है। दुनिया के लोग जानते हैं मांगे से मिलते प्राण नहीं, कोई कितना भी त्यागी हो पर तन देना आसान नहीं, फिर भी इस पामर पंजर से यदि कुछ कल्याण तुम्हारा है तो ले जाओ परमार्थ में, या ना कुछ दान हमारा है। फिर भी महात्मा दधीच कहने लगे चलो कोई बात नहीं है, मेरा शरीर किसी काम में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें हड्डियां दे देंगे। क्योंकि भक्तजनों एक मनुष्य का शरीर मनुष्य का तन ऐसा है जो मरने के बाद में किसी काम में नहीं आता है। और ये 51 रुपए हमारे पास में भिजवा रहे हैं।